जय भोले शंकर जी की, सभी को सादर प्रणाम। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह। दोस्तों, जब से देश आजाद हुआ है ना, तब से ना राजपूतों ने अपने संस्कार, अपने रुतबे, अपने रोब, अपने जो कर्म थे ना, वो आगे प्रचार करना सही नहीं समझा। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। तो जो ये नई पीढ़ी आई है ना, इनको ये पता नहीं है कि राजपूत कैसे हुआ करते थे। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की एक घटना बताने जा रहा हूं, जो कि 12-14 साल पहले घट चुकी है। मित्रों, एक हिमाचल प्रदेश में राजपूतों का घर था, जो कि कहीं दूसरी जगह के रहने वाले थे और वो कहीं और कहीं अलग जगह पे घर बना के रहा करते थे। वहां पर अलग अलग वर्ग के लोग शांति से रहा करते थे। पर मित्रों, कभी कभी ना, आपको पता है ना, जहां शांति होती है वहां कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो कि अशांति फैलाने को आतुर रहता है। तो मित्रों, जो वो राजपूतों का घर था, वो वहां पे अकेला घर था, पर वो बंदे अच्छे थे, किसी के साथ लड़ाई नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं। तो मित्रों, वो ऐसे बंदे हुआ करते थे। तब एक बार की बात है, उनके जो पास में घर था ना, उनके कोई फंक्शन था कि कई गेस्ट आए हुए थे। उन्होंने राजपूतों के घर के गेट के आगे एक गाड़ी लगा रखी थी, बड़ी सी गाड़ी लगा रखी थी। अब मित्रों, किसी के घर के आगे बड़ी सी गाड़ी लगा रखना, चलो कुछ देर के लिए लगा ली, ठीक है, पर काफी देर के लिए लगाई। तब जो एक राजपूत भाई था, यानी जो यंग ब्लड था, वो गेट से बाहर आता है और जो जिन्होंने लगाई थी उनके घर में जाता है। वहां जाके देखता है कि उनके गेस्ट दारू पी रहे हैं। वो यंग ब्लड भाई अंदर जाके कहता है कि जी ऐसे ऐसे अंकल जी, जाना है थोड़ा सा, तो गाड़ी हटा लीजिए। तो जी, वो जो उनके गेस्ट थे जिनकी गाड़ी थी, वो चाबी दे देते हैं, लो जी भाई साहब थोड़े साइड पे कर दो, जहां आपको लगे लगा दो। वो बंदा चाबी लेके आता है, तो जी अचानक मित्रों, अचानक एक बंदा बोल पड़ता है, कहता है कि जी अब बड़े आए, बड़े बड़े राजपूत आए हैं, आए बड़े राजपूत। मित्रों, ये वो ताना है, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक किसी भी राजपूत को अगर आप बोलोगे ना, भाई मरा होगा, राजपूत भी होगा ना, मरा हुआ, यानी जिसका स्वाभिमान सोया होगा, उसको मरा हुआ राजपूत कंसीडर करते हैं। तो वो भी भैया, अगर उसका डीएनए में सच्चा करंट होगा ना, ब्लड लाइन वॉरियर होगी ना, तो वो भाई आपको पड़ जाएगा। कभी भूल के भी ये ताना मत मारना किसी भी राजपूत को। तो भैया, वो यंग ब्लड चाबी वहीं फेंकी, तो जिस बंदे ने बोला था ना भाई, उसकी लगी क्लास, ठीक ठाक क्लास लग गई। उसके बाद उनके जो घर वाले थे, उनको इतना खौफ चढ़ा, उस दिन के बाद किसी ने भी उन ठाकुर साहब को ये ताना नहीं मारा। आगे के बाद कभी भी वहां कोई गाड़ी नहीं लगी। तो मित्रों, कभी कभी ना शेर सोया होता ना, उसको कुत्ता नहीं समझना चाहिए। राजपूत रक्षक है, सेवियर है, और जब रक्षक भक्षक बनता है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। मत जगाया करो। ये जो मेरी कहानी सुनाने का एकमात्र मुद्दा है कि जो सोए हैं वो भी जाग जाइए, और जो जागे हुए हैं ना अभी, वो भी थोड़ा संभल जाइए। जय महाकाल, जय राजपूताना।